सहजानंद ब्रह्मर्षि सिंह कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर राम नारायण मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पुष्पांजलि अर्पित करके मनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी के बारे में डॉक्टर साधना रावत जो महाविद्यालय के हिंदी विभाग के शिक्षिका है, उन्होंने स्वयं सेवकों के बीच बाबा साहेब की जीवनी एवं उनके उद्देश्य के साथ साथ संविधान तक की उच्च नीच सभी बातों को रखा। रावत ने स्वयं सेवकों को बताया कि शिक्षा सभी वर्ग जाति के लिए लोगों को मिलना चाहिए, ना कि उच्च। आज 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया। महापरिनिर्वाण दिवस इसलिए क्योंकि जब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई उस समय उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, तो इसीलिए इस दिवस को हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। अंबेडकर का योगदान सिर्फ छुआछूत और इन सब चीज़ों के लिए ही नहीं रहा है कि उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए हैं स्त्रियों के लिए, स्त्री की शिक्षा के लिए और अछूतों की शिक्षा के लिए। उन्होंने जो संविधान निर्माण में अपना योगदान दिया वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है हमारे देश के लिए, जिससे आज भी हम उससे लाभान्वित हो रहे हैं और आज भी उसका लाभ हमें मिल रहा है। शिक्षा से लेकर के रोजगार की हर दिशा में उस संविधान से हमें लाभ प्राप्त होता है। और अम्बेडकर जी जो थे उनका सिद्धांत ही था कि गरीब जो तबका इंसान है शिक्षा सबको मिले, ऐसा ना हो कि जो उच्च जाति का इंसान हो, उच्च जाति में पैदा हुआ उसी की शिक्षा मिलने का अधिकार हो। शिक्षित होने के लिए उन्होंने जिस तरह से अपनी शिक्षा प्राप्त की, वो जिस प्रकार से शिक्षित हुए थे उससे उनके स्वयं कन्विंस उन्होंने ये जाना था कि ये जो शिक्षा है वो निम्न वर्ग के लिए कितनी दुरूह चीज़ है कि किस मुश्किल से वो वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा उन्होंने शिक्षा के लिए काम किया और उन्होंने कहा कि उठो जागो और संघर्ष करो। उन्होंने ये सिर्फ नहीं कहा कि सबको संघर्ष करो, उन्होंने कहा उठो उसके बाद जागृत हो तब संघर्ष करो। और संघर्ष किस लिए करना है? अपने मूलभूत अधिकारों के लिए करना है, अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए करना है, ये इनका संदेश था। जैसा कि कहा जाता है कि दलित बस्तियों के लिए भीमराव अंबेडकर भगवान है, क्या भीमराव अंबेडकर की सिद्धांतों को सिर्फ दलितों को मानना चाहिए या हर हमारे जैसे युवा वर्ग और हर भारत के नागरिकों को मानना चाहिए? नहीं, अंबेडकर जी ने जो सिद्धांत दिए वो सिर्फ दलित वर्ग के लिए कोई सिद्धांत उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने समाज के लिए सिद्धांत दिए कि समाज में जो मनुष्य रहते हैं उनमें ऊंच नीच का भाव ना हो, सब एक समान से हो, कोई क्षत्रिय ना हो, कोई ब्राह्मण ना हो, कोई शूद्र ना हो, कोई वैश्य ना हो। ये जो हमारे समाज का जो हिंदू के हिसाब से में बांटा गया है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो नेता नहीं करते कि वो सिर्फ दलितों के लिए नहीं करते। हाँ, क्योंकि जो दलित थे शूद्र थे उस समय अछूत कहे जाते थे, उनकी स्थिति समाज में बहुत दयनीय थी, तो उनके लिए उनके उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत IVVP इस परिसर में बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हैं, चंदन करते हैं और यह प्रण लेते हैं कि उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत, उनके द्वारा किए गए कार्यों पर वो अमल रहेंगे और सही दिशा में कार्य करते रहेंगे।